खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इडन गार्डन्स मैदान पर जब मैच शुरू होगा, मैदान के चारों तरफ, स्टेडियम के चारों तरफ आपको गुलाबी रंग दिखाई देगा, लेकिन इडन गार्डन्स के अंदर जो वॉल है, यहाँ भी इसको भी क्रिकेट के थीम में इसको सजाया गया है, पेंट किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बाएं हाथ के बल्लेबाज स्टांस लेके खड़ा है, शायद दादा जो है सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, तो इसीलिए जो भी पेंटर है ये वॉल को हो सकता है कि उनके ही नाम ट्रिब्यूट किया है। और जो भी यहाँ ये जो बल्लेबाज है, यहाँ जो पेंट किया गया है वो भी बाएं हाथ के ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पहले उन्होंने स्टांस लिया, फिर बैट लिफ्ट किया, और अगला जो तस्वीर है वो सामने पैर निकाला है ताकि वो फॉरवर्ड ड्राइव खेल सके, और यहाँ बिल्कुल ड्राइव कंप्लीट किया। तो एक क्रिकेट मैच में जैसा होता है कि कोई भी बल्लेबाज पहले स्टांस लेते हैं, फिर बैट लिफ्ट करते हैं, फिर सामने पैर निकालते हैं और फिर ड्राइव खेलते हैं, तो ऐसा ही तस्वीर यहाँ बनाया गया है। तो क्रिकेट का जो वॉल बनाया गया है वो भी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, दादा भी इस तरह के खिलाड़ी थे। क्रिकेट में भी जो वॉल यहाँ बनाया गया है, जो कलर लगाया गया है, जो थीम बनाया गया है, वहां भी सब कुछ बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। और आपको बता दूं जो क्रिकेट मैच यहाँ होने वाला है वो भी शायद 3 दिन हो, 4 दिन हो या 5 दिन हो, वहां भी करेक्ट क्रिकेट ही देखने को मिलेगा। कैमरामैन अजय दास के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज कोलकाता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।